विभाग से आप अलग अलग कई लोग बिजनेसमैन भी होंगे, कई अध्यापक भी होंगे, तो सभी बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं। गुरु शब्द में ग में उकार की मात्रा और र शब्द में उकार की मात्रा दोनों ह्रस्व है यानी छोटी है। गुरु शब्द भी अपने आप में कहता है कि यदि गुरु बनना है, यदि गुरु बनना है तो जीवन में लघु बनना सीखो। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी शक्कर ले चली हाथी के सिर दूर। तो जो विनम्र होता है उसको लाभ मिलता है, जो अपने अभिमान में रहता है वो उस लाभ से वंचित रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक नदी बह रही है तो जो पात्रता के गड्ढे आते हैं उसको वो भरती हुई चली जाती है, जो घमंड के पहाड़ बने हुए रहते हैं उनको वो छोड़ करके चली जाती है। नदी का काम है बहना और वो सतत बहती ही रहती है। गुरु का काम है सत्य से अवगत कराना, माने या ना माने वो उसकी मर्जी है। भगवान कृष्ण ने पूरी गीता अर्जुन को उपदेश करने के बाद में ये कह दिया, यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन अब तेरी मर्जी हो जैसे कर। और कृष्ण किसके गुरु नहीं है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो गुरुओं के भी गुरु है, गुरु नाम गुरु। इसलिए ये सत्संग है। सत्संग मतलब सता नाम संग, जो सत्य के निकट हमें लेके जाए उसका नाम क्या है, सत्संग। सांस्कृतिक संध्याएं बहुत होती है, बहुत नाच गाने होते हैं, वहां पे कुछ सीखने को मिलता नहीं है। जो सीखने की बात है, ज्ञान बड़ा है अटपटा, झटपट लहे न कोई, जो कोई झटपट लहे तो खटपट रहे ना कोई। भगवान ने हमें दो कान दिए हैं, एक मुंह दिया है, तो इसका मतलब ये प्राकृतिक रूप से संदेश क्लियर है। दो कान दिए यानी सुनना हमें ज्यादा है, और एक मुंह दिया यानी बोलना हमें कम है। या कुदरत की देन है कान दोए मुख एक, कम बोलो ज्यादा सुनो ये है धर्म विवेक। कोई अच्छा वक्ता तभी बन सकता है जब वो अच्छा सुन सकता है, कोई अच्छा गायक तभी बन सकता है जब वो अच्छा सुन सकता है, कोई अच्छा कथाकार तभी बन सकता है जब वो अच्छा सुन सकता है। परीक्षित ने अच्छा सुना तो मोक्ष हो गया, इसलिए सुनना बहुत बड़ी कला है। आइए गुरु महिमा, सदगुरु अपने अपने जो भी आपके सदगुरु है उनका ध्यान करें और गुरु महिमा में आप मेरे साथ शामिल हों। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये श्लोक आप लोगों में से ही कई लोगों ने सैकड़ों बार सुना है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों का अवतार माने जाते हैं। गुरु ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों का अवतार माने जाते हैं। क्यों? सृष्टि स्थित्यंत करणाद ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकः सस्यज्ञाम याति भगवान एक एव जनार्दन। जो सृजन करता है ना, जो निर्माण करता है उसका नाम क्या है, ब्रह्मा। जो पालन करता है उसका नाम क्या है, विष्णु। और जो संहार करता है उसका नाम क्या है, शिव। तो गुरु भी शिष्य का निर्माण भी करता है, उसका पालन भी करता है, और उसमें कोई खोट हो तो घड़ी घड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। तो उसके गलतियों का वो संहार भी करता है। ये तीनों शक्ति गुरु के अंदर विद्यमान होने से तस्मै श्री गुरवे नमः, तब जाकर के ये श्लोक की सिद्धि होती है। केवल हमें बोल के राजी नहीं होना है, जो भी हम बोले वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो हमारे जीवन में अंगीकार होना चाहिए। ऐसा नहीं हम बोले कुछ और करे कुछ तो वो फिर एक रूपता नहीं मानी जाती है। ओ गुरुदेव सावरिया मेरे, सब गाइए साथ में और मीठी मीठी ताली बजाइए। रे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव
सवरिया मेरे, ओ गुरुदेव सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिने तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न कोई न मेरा कोई न, मेरा कोई न सहारा बिने तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, दीन बंधु दीनानाथ की जय घोष। में माताओं को हाथ उठा करके जय घोष नहीं लगाना चाहिए, ऐसी शास्त्र की मान्यता है। आपको जय घोष लगाना हो तो हाथ जोड़ के ही जय घोष लगाना चाहिए, ऐसी परंपरा है। पुरुष वर्ग सभी हाथ ऊपर करके भगवान का जय घोष लगा सकते हैं। जैसी शास्त्र की मान्यता है उसके अनुसार चलने पर मानव का कल्याण है और उसके विपरीत चलने पर कष्ट। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। आगे आइए, कहावत है ए जन्म मानुखा जे मिलिया। देखिए अच्छी बात कहीं से भी मिले ना तो ग्रहण करनी चाहिए, ये कान के पट खुले रखने चाहिए, कब कौन सी बात अंग लग जाए और हमारा जीवन बदल जाए। ए जन्म मानुखा जे मिलिया, गुरु कृपा दा प्रसाद समझ, बेकदरी ना कर स्वासा दी, जप नाम जीवन दा राज समझ। इसका सीधा सीधा अर्थ है, पंजाबी में कहा गया ये जन्म मानुखा जे मिलिया, ये जो मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है ये भगवत कृपा गुरु कृपा का प्रसाद समझ, इसकी बेकदर मत कर, इसकी कदर कर। बेकदरी ना कर श्वास आदि, तू श्वास की कदर कर, श्वास नाम दो बिलक चलते है, या को भेद न मोह को भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु नाम स्वाद को पावे, तब कछु नाम। देखिए इतनी महिमा है, तब कछु स्वाद नाम को पावे। हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हमारी श्वास और भगवान का नाम दोनों अलग अलग नहीं चलने चाहिए, जहां श्वास वही नाम, जहां नाम वही श्वास। 21,600 श्वास लेता है व्यक्ति एक दिन में, हम नहीं कहते कि आप 21,600 ले सकते हैं भगवान का नाम, लेकिन एक घंटा तो ले सकते हैं, वो भी ज्यादा लगे तो आधे घंटे। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटी अपराध। वह घटी का मतलब पंचांग के अनुसार 24 मिनट एक घटी, और आधी घटी यानी 12 मिनट, और आधी में पुनियाद यानी 6 मिनट। इतनी छूट दे दी, यदि 6 मिनट भी भगवान का नाम सच्चे मन से ले लिया तो कल्याण संभव है। सब गाइए, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न मेरा कोई न, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। और सबसे पहले का मैंने जन्म लिया जग में आकर, मैंने
तेरी कृपा से नर्तन पाकर, तेरी कृपा से नर्तन पाकर। तूने किए उपकार घनेरे गुरुदेव संवरिया मेरे, तूने किए उपकार घनेरे गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा सच्चा मार्ग छूट गया, मेरा सच्चा मार्ग छूट गया, मिले पांच लुटेरों ने लूट लिया। पांच लुटेरे कौन से? काम क्रोध लोभ मोह मद। हाँ, मेरा सच्चा मार्ग छूट गया, मिले पांच लुटेरों ने लूट लिया, मिले पांच लुटेरों ने लूट लिया। मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे गुरुदेव सांवरिया मेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सांवरिया मेरे। ये भाव होना चाहिए भगवान के प्रति हम लोगों का। एक कवि ने बहुत सुंदर कविता लिखा है, दास तो तिहारे, इसमें तिहारे शब्द 15 बार आया है। इस बात को आप ध्यान से सुने, नोट करें, समझें। दास तो तिहारे जो उदास तो तिहारे, दुर्पास तो तिहारे, आम खास तो तिहारे हैं। दीन तो तिहारे मतिहीन तो तिहारे, जो नवीन तो तिहारे प्राचीन तो तिहारे हैं। कुर तो तिहारे गुणपुर तो तिहारे, राचे नूर तो तिहारे साचे सुर तो तिहारे हैं। भायक तिहारे यश गायक तिहारे, हो सहायक हमारे हम पायक तिहारे हैं। बहुत ऊंचे स्तर की बात है जो गुरु कृपा से हमें मिली, हम आपको सहज ही उपलब्ध करवा रहे हैं। सबसे पहले कहा दास तो तिहारे, हे भगवान यदि मैं किसी भी प्रकार से आपका दास हूं, यदि किसी भी प्रकार से यदि दास की श्रेणी में आता हूं मैं, तो भी आपका ही हूं। दास तो तिहारे जो उदास तो तिहारे, यदि मैं उदास हूं तो भी तुम्हारा हूं। दूर पास तो तिहारे, यदि मैं दूर हूं या पास हूं तो भी तुम्हारा हूं। कहते हैं ना भजन में मारवाड़ी में, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बूरो कुटिलरु कामी जैसो हूं थारो। ये समर्पण भाव होना चाहिए। दूर पास जो तिहारे, आम खास जो तिहारे, यदि मैं आम व्यक्ति हूं तो भी तुम्हारा हूं, और दुनिया की नजरों में मैं यदि खास व्यक्ति हूं तो भी तुम्हारा। ये होता है समर्पण भाव, किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होता। हमारे जैसे भगवान ने कई बनाए और कई मिट्टी में मिला दिए, किस बात का हम घमंड करें। रावण जैसा चल बसा तो अपनी क्या औकात, मैं करता मन पड़े करे घमंड की बात।
फिर कहा दीन तो तिहारे यदि मैं दीन हूँ तो भी तुम्हारा, मतिहीन तो तिहारे यदि मैं मूर्ख हूँ तो भी तुम्हारा हूँ, नवीन तो तिहारे यदि मैं नया हूँ तो भी तुम्हारा हूँ, और प्राचीन हो तो भी तुम्हारा हूँ, कूर तो तिहारे यदि मैं क्रूर हूँ, तेरी नजर में यदि मैं क्रूर हूँ। देखिए इसका उदाहरण है, कंस को क्रूर कहते हैं लेकिन उसको भी गोलोक मिला, क्यों? क्योंकि भगवान को कोई रीज बजे या खीज बजे भगवान उसका कल्याण करते हैं, उसके अवगुणों को नहीं देखते। कहते हैं गज का उद्धार हुआ, अच्छा हाथी का उद्धार हुआ तो उस मगरमच्छ का क्या हुआ? मगरमच्छ का क्या हुआ भाई? उसका भी तो कल्याण हुआ, पहले उसका कल्याण हुआ और बाद में हाथी का हुआ। कंस भी भगवान का भक्त था, वो कहता था अरे भोजन में दाल में काला काला क्या आ गया, ये भी कृष्ण है, तो भोजन की थाली फेंक देता था। जो भी उसके दरबार में काली चीज दिखाई देती है सब मैं कृष्ण मान करके वो फेंक देता था। अब उसके जैसा कृष्ण भक्त कौन हो सकता है जो हर वस्तु में कृष्ण को देखे। इसलिए कहा जो क्रूर तो तिहारे यदि मैं क्रूर हूं तो भी तुम्हारा हूं। देखिए कहते हैं कि भगवान के हाथ से जो मरे और भगवान के हाथ से जो तरे दोनों का ही मोक्ष होता है। भगवान के हाथ से मरना भी कोई हंसी ख्याल नहीं है, उसके लिए भी पुण्य चाहिए। इतना युद्ध करना पड़ा तब जाकर के रावण को मारने के लिए राम जी को लंका पार करके समुद्र लांघ करके जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वो भक्त तो था ही, उसने वो गलतियां इसीलिए की क्योंकि वो ये गलतियां नहीं करता तो राम जी के हाथों उसका वध नहीं होता। और उसने वास्तविक सीता को नहीं चुराया था, केवल सीता की प्रति छाया को चुराया था। आप रामायण के माध्यम से भी देखते होंगे, क्योंकि असली सीता को तो वो चुरा दे, उसको स्पर्श भी कर ले तो वो जल करके भस्म हो जाता है। ये समझने की बात है, क्रूर तो तिहारे यदि मैं क्रूर हूं भगवान तो भी तुम्हारा हूं। और उसके बाद में कहा गुणपूर तो तिहारे यदि मैं दुनिया की नजरों में बहुत विद्वान हूं या गुणवान हूं तो भी तुम्हारा हूं। क्योंकि ये विद्वता दी किसने? उसने दी, वो चाहे जब छीन सकता है, एक दिमाग की नस चटक जाए तो सारी विद्वता धरी रह जाती है। क्रूर तो तिहारे गुणपूर तो तिहारे साचे नूर तो तिहारे यदि नूर है मेरे चेहरे पर तो भी वो तुम्हारा ही है। क्योंकि भगवान के भजन से ही नूर आता है, चेहरे पर नूर तभी आएगा जब अंदर का गरूर बाहर आएगा। जब तक अंदर का गरूर बाहर नहीं आता तब तक चेहरे पे नूर नहीं आता, भले कितने क्रीम डेंटिंग पेंटिंग सेंटिंग करते रहो, असली नूर तो भगवान के भजन से ही आने वाला है। जो वाणी का गुण होता है उसे औज कहते हैं, इसलिए कहते हैं ये ओजस्वी वक्ता है, और जो चेहरे का नूर होता है उसको तेजस्वी कहते हैं, इसलिए कहते हैं इसका मुखमंडल तेजस्वी है। गुरुर तो तिहारे गुणपूर तो तिहारे राचे नूर तो तिहारे साचे शूर तो तिहारे यदि मैं शूरवीर हूं तो भी भगवान तुम्हारा ही। फिर क्या कहा? भायक तिहारे यदि मैं भाई हूं सहृदय हूं तो भी तुम्हारा हूं। भायक शब्द का अर्थ होता है सहृदय, और दूसरा अर्थ होता है भैया। यदि मैं भाई हूं तो भी तुम्हारा हूं, यदि मैं सहृदय हो तो भी तुम्हारा हूं। भायक तिहारे यश गायक तिहारे यदि मैं गायक हूं तो भी तुम्हारा हूं। हो सहायक हमारे हे भगवान ऐसे आप हैं मेरे सहायक होइए। क्यों सहायक होइए? क्योंकि मैं पायक तिहारे मैं आपका सेवक हूं। आइए मेरे साथ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सांवरिया मेरे। हरी आ जाओ हरी आ जाओ हरी आ जाओ हरी आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ अब और न मुझको तरसाओ। काटो जन्म मरण के फेरे काटो
आप भी बोलिए सब एक स्वर में। अरे आप बोलेंगे ही नहीं, भगवान कह रहे हैं कि इनको बोलने में भी इतनी तकलीफ है तो इनका जन्म मरण काटना है कि नहीं काटना है। अरे भाई कौन कौन चाहते हैं कि हमारे जन्म मरण का चक्कर मिट जाए, वो एक व्यक्ति चाहते हैं क्या? बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए। इसका मतलब ये सब लोग वापस आना चाहते हैं। काटो जन्म मरण के फेरे गुरुदेव सांवरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सांवरिया। जब जोग विराग महामक साधन दान दया दम कोट करे, मुनि सिद्ध सुरेश गणेश महेश से सेवत जन्म अनेक मरे, निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े तप सानल में जग कुंज जरे, मन सो मन रोपी कहे तुलसी रघुनाथ बिना दुख कौन करे, रघुनाथ बिना दुख कौन करे, रघुनाथ बिना दुख कौन। सुनिए कैसे तुम गणिका के अवगुण न गिने नाथ, कैसे तुम शबरी के झूठे बेर खाए हो, कैसे तुम द्वारिका में द्रौपदी की ठेर सुनी, कैसे तुम गज का जनंगे पग धाए हो, कैसे तुम सुदामा के छिन में दरिद्र हरे, कैसे तुम उग्र सेन बंदी ते छुड़ाए हो, मेरी बेरी एती तेरे कान मुंद रहे नाथ, दिन बंधु दीना नाथ काहे को कहाए हो, दीन बंधु दीना नाथ काहे को कहाए हो, दीन बंधु दीना नाथ काहे को कहाए। दीना नाथ सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाय के जाऊं कहां, तुमरे हित की पट खेच दसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं जग में को तू जो यसी है, ए हो मुरारी पुकारी कहो अब मेरी हसी नहीं तेरी हसी है, मेरी हसी नहीं तेरी हसी है, मेरी हसी नहीं तेरी हसी है, गुरु देव सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरु देव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया। एक और बात कह करके गुरु महिमा को विराम दूंगा। हमारे यहाँ कहा जाता है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले, करोड़ों वर्षों से यदि किसी गुफा में अंधकार व्याप्त है, जो हम कह रहे हैं जस्ट इमेजिनेट, जो हम कह रहे हैं उसको आप सोचिए, कल्पना करिए, आपको उस भावों में ले जा रहा हूं, क्योंकि भाव भगत की राबड़ी मीठी लागे, बीर बिना भाव काड़ू कहे कड़वी लागे खीर, भावेशु विद्य दे देवो मंत्र संयोग संयुतः, भाव की ही महिमा है, भाषा जहां असमर्थ है बोल उठता है मौन, भावों की गहराई या माप सका है कौन। भगवान सब भाषाएं जानते हैं, वो सब भाषा इसलिए जानते हैं क्योंकि वो भावों की भाषा जानते हैं। कोई कन्नड़ में भी भगवान का भजन गाए तो भी भगवान को समझ में आता है, कोई तमिल में गाए तो भी आता है, कोई गुजराती में गाए तो भी, कोई मारवाड़ी में गाए तो भी, कोई अंग्रेजी में गाए तो भी, क्यों? क्योंकि भगवान तो केवल भाव देखते हैं। क्या देखते हैं? कि इस बंदे का भाव कैसा है। तो करोड़ों वर्षों से व्याप्त किसी गुफा में जो अंधकार है, वो ये नहीं कहता कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा या मेरा एक अधिकार है। अज्ञान और अंधकार एक ही है, जैसे ज्ञान होता है वहां अज्ञान नहीं रहता, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, दोनों कबहू न मिले रवि रजनी एक ठाम, सूर्य और चंद्रमा कभी एक जगह नहीं होते, दिन होता है तो रात होती है, रात होता है तो। कहने का अभिप्राय यह है कि करोड़ों वर्षों से जिस गुफा में व्याप्त अंधकार है, वहां केवल एक माचिस की दिया सलाई हम जला दे तो वो जो अंधकार है वो ये नहीं कहेगा कि मैं यहां से जाऊंगा, नहीं, करोड़ों वर्षों से मेरा यहां अधिकार है। जैसे दिया सलाई जलाई
तो उसको वहां से भागना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग भी करोड़ों वर्षों से जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जिस दिन ज्ञान की चिंगारी लग जाएगी उस दिन फिर जन्म मरण होगा नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, जहां जाने के बाद फिर आना जाना नहीं पड़ता। जो परब्रह्म परमात्मा में जो स्थिर हो जाता है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, न भूमिर्न तोयम न तेजोर न वायु, न भूमि है न वायु है न अग्नि है न तेज है, केवल तुम ही तुम हो चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। यही जानना पड़ेगा इस जन्म में, नहीं तो कई जन्म लेने के बाद में भी यही जानना पड़ेगा कि मेरा स्वरूप क्या है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित जगत्यां जगत। मेरा कोई न सहारा बिने तेरे गुरु देव सवरिया, मेरे गुरु देव सवरिया, मेरे गुरु देव सवरिया, मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय। घोष फिर धीमे हो गई। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अजय जी आप भी जोर से बोलिए, प्रेमलता जी का आपके ऊपर विशेष स्नेह था। हाँ बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो हमें तो जो सूत्रों से पता चलता है वही हम बोलते हैं। तो आइए